हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बाहर आप देख रहे हैं बारिश हो रही है और हम यहाँ पर थोड़ा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मतलब ये हैंड ब्रेक है, वो आपने देखी होगी कि स्कॉर्पियो के अंदर कई बार अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। तो उसका क्या रीज़न है वो हम आपको दिखाने वाले हैं आज। तो आपको दिखाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरा भाई दिखाएगा कैसे ये वर्क करती है, क्या होता है, अच्छी तरीके से वर्क ना करने का कारण क्या होता है, उसका जो रीज़न है वो क्या होता है, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर। जब कोई भी ड्राइवर बैठता है यहाँ पर राइट साइड के अंदर, तो राइट साइड में बैठने के बाद जो इसकी हैंड ब्रेक का जो ये डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का है कि जब आप इसको खींचते हैं तो वो थोड़ी सी राइट साइड मुड़ जाती है। तो आपको दिखाएगा मेरा भाई यहाँ पर। तो चलिए बताइए भाई, ये क्या होता है कि हम उस साइड से खींचते हैं तो ये इस तरह से मुड़ जाती है। हाँ, तो ये थोड़ी मतलब ये जो है वो स्ट्रेट नहीं रहती। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थोड़ी राइट साइड मुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, राइट साइड ही रखेंगे और खींच के देखेंगे। ये क्या होता है कि इस तरह से खींच जाने से ये कम्प्लीटली वर्क नहीं, ये चिपकती नहीं है। हाँ, तो ये कम्प्लीट वर्क नहीं करती। आप देख रहे हैं ना, देखिए हमने आपको दिखाया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कम्प्लीटली वर्क नहीं कर रही है, ऊपर भी नहीं आ रही है, देख रहे हैं ना आप। तो ये क्या होगा कि ये लॉक नहीं हो पाएगी अच्छी तरीके से। तो इसको ये स्कॉर्पियो में ज़्यादातर ये फॉल्ट आना आता है, लेकिन आप किसी भी कोई भी खर्चे के बिना इसको आप सही कर सकते हैं। कैसे ये मैं बताता हूँ कि इसको ये जो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो उसको इस तरह से सीधा करना है और बाकी ये सब कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये जो हैंडल होता है तो इस हैंडल को हमने थोड़ा सा लेफ्ट साइड यानी कि बीच में ला देना है। जब आप ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको खींचेंगे तो कंप्लीट ये वर्क करेगी। देख रहे हैं आप, फिर से आपको हम राइट साइड मुड़ा कर देख रहे थे कि होती है या फिर नहीं होती है। देख लीजिए, ये हो गई, ये राइट साइड है। देखो ये वर्क नहीं कर रही है, देख रहे हैं आप, ये वर्क नहीं कर रही है। और आप देखिए यहाँ पर, आप सीधा करके देख लीजिए, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपको पता चला कि भाई स्कॉर्पियो के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो बस आपको इतना सा ही करना है, इतना करने पर आपको पता चल जाएगा कि ये अब जो हैंड ब्रेक होती है उसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये ट्राई करके देख लीजिए, अगर सही हो जाती है तो ठीक है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।